friends. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll read our poem with chapter number 3rd. Okay? जो अपने chapter number 3rd के साथ जो poem थी, वो हम लोग study करेंगे. So, move on, page number 197. Okay, जो page number 197 है, उस पर चलते हैं. And the name of our poem is The Shed. The shed. Shed क्या होता है बेटा? It's a small hut. Okay? एक छोटी सी हट जैसी होती है, ठीक है, जिसमें कि हम कोई भी चीज रख सकते हैं या उसमें एनिमल्स वगैरह को रख सकते हैं. वो क्या होता है? शेड. द शेड. ओके, सो दिस पोएम्स इन स्टेंजास. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द hangings are rustly and clerk in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open the door one day. So, there's a set at the bottom of our garden. कि हमारा जो garden है, उस garden के bottom side में, okay? Bottom side में क्या है? There's a set. क्या है? एक set है. With a spider's web हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और उस सेट के मतलब जो डोर है, ओके, डोर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जो स्पाइडर के वेब्स होते हैं ना, स्पाइडर वेब्स क्या होते हैं? स्पाइडर्स वेब मतलब स्पाइडर का जो जाला होता है, नेट होता है स्पाइडर का, वो उस पर बना हुआ है. ओके, जो स्पाइडर का वेब जो है वो वहां बना हुआ है. द हैंगिंग्स आर rusty and crack in the winds. और उसमें जो मतलब एक brownish मतलब उस पर जंग आया हुआ है, ठीक है, brownish polish उस पर लगी हुई है, उस पर जंग आया हुआ है. उसके joints जो हैं, उस door के joints जो हैं, उन पर जंग आया हुआ है. And जब मतलब wind आती है, जब wind flow होती है, जब तेजी से हवा आती है, तो उसमें एकदम से क्रैक की साउंड जनरेट होती है. When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं बेड पे सोया हुआ होता हूँ, ओके, जब मैं बेड पे लेटा होता हूँ या सोया होता हूँ, I listen, मैं सुनता हूँ. I'll open the door one day, कि मैं एक ना एक दिन वो डोर जरूर खोलूंगा. ओके, what did he listen? I'll open the door one day, कि मैं उस डोर को एक ना एक दिन खोलूंगा. ओके, there's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone starting at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. What's the mean of this stanza? कि there's a dusty old window around the side. वो जो shed है, ओके, उस shed के sides में, ओके, windows हैं जो कि बहुत ज़्यादा dusty हुई हुई हैं. Dusty मतलब full of dust. ओके, तो वो जो windows हैं, वो बहुत ज़्यादा dusty हैं. With three cracked panes of glass. जिसके जो ग्लासेस हैं, ओके, वो ग्लासेस टूट चुके हैं. उसके जो थ्री ग्लास जो थे वो टूट चुके थे. आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी. मुझे, मैं मतलब बहुत बार ये सोचता हूँ, मुझे ऐसा बहुत बार लगता है, समवन स्टेयर एट मी, कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, कोई मेरी तरफ स्टेयरिंग कर रहा है. इस टाइम दैट आई पास, जो टाइम मैं पास करता हूँ, ओके, जो भी टाइम मैं पास करता हूँ, आई पीप थ्रू दैट वन डे, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं उसमें से एक दिन छुप के जरूर देखूंगा, मैं उसमें से एक दिन बहुत ही सीक्रेटली जरूर देखूंगा. ओके, नेक्स्ट, माय ब्रदर सेज दैट देयर इज अ घोस्ट इन द सैड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स एंड
if I never dare to set foot inside, I'll jump out and crop off my head, but I'll take a peek one day. So, mean of the stranger? My brother says that there's a ghost in the sand. मेरे भाई जो हैं, मेरे भैया जो हैं, वो कहते हैं कि उस sand में एक ghost है. Ghost मतलब spirit, आत्मा, भूत. Okay? Ghost क्या होता है? Spirit, आत्मा या भूत. तो मेरे भैया कहते हैं कि उस sand में एक ghost है who hides under the rotten floor boards, जो कि जो फ्लोर बोर्ड्स होते हैं, जो जमीन पर जो वुडन प्लैंक्स जो हैं, उनके नीचे वो डिके रहता है. जो डिके फ्लोर बोर्ड्स हैं, उनमें उनके नीचे वो छुपा हुआ रहता है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर कभी भी मैं ये डेंजरस स्टेप लेने को सोचूंगा कि मैं, मतलब मैं कभी भी ये सोचूं कि मैं अंदर जाऊं, he'll jump out and crop off my head. तो वो मेरी तरफ जंप करेगा एंड मेरे हेड को वो एकदम से, मतलब कुचल डालेगा. ओके वो मेरे हेड को कुचल डालेगा, वो एकदम से मेरी तरफ जंप करेगा. बट आई टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं ऐसा एक दिन करने का जरूर सोचूंगा. ओके एक दिन मैं सीक्रेटली जरूर वहां जाऊंगा. नेक्स्ट स्ट्रेंजर, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ कॉस्ट. माय ब्रदर टेल लाइज टू कीप द सैड फॉर हिज डैन. देयर इजंट नॉट इजंट एनी वंस स्टार्ट स्टेयरिंग एंड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फॉर his web. Since I don't know when I'll go inside that set one day soon, but not just yet. So, what is the mean of this danger? I know that there isn't really a ghost. मैं जानता हूँ कि सचमुच में वहाँ पर कोई भी ghost नहीं है. Reality में वहाँ कोई भी भूत नहीं है. My brother tells lies. मेरे भैया जो है, मेरे भाई जो है, वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं. To keep the sad for his den. वो उस जो स्प्रे सैड जो है, वो उसे अपनी ही एक डैन बनाना चाहते हैं. मतलब डैन मतलब अपना एक वो पर्सनल प्लेस बनाना चाहते हैं. देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग, वहां पर कोई भी नहीं देखता है, कोई भी स्टेयर नहीं करता है. और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और ना ही कोई वहां अजीब अजीब आवाजें निकालता. एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फॉर हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो भी अपना वेब बनाने के लिए जा चुकी है. सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब, मुझे ये नहीं पता कि कब. आई गो इनसाइड दैट सैड वन डे सून, लेकिन मैं उसमें एक दिन, मतलब बहुत जल्दी मैं उस एक दिन उस सैड में जाऊंगा. बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अब भी नहीं जाऊंगा. ओके सो दिस वॉज अ पोइट्री. ओके टेक्स्टुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस पोइट्री. क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम. इस पोएम का स्पीकर कौन है? ओके परहैप्स द स्पीकर ऑफ द पोएम, स्पीकर इज द पोएट हिमसेल्फ. इस पोएम का स्पीकर जो है वो पोइट खुद है. इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम द पोएम, ये इस पोएम से तो एकदम क्लियर नहीं होता. हाउ द स्पीकर इज, जो स्पीकर है वो कैसा है, मतलब ही है या सी है, वो तो हम उसका बता नहीं सकते. क्वेश्चन सेकेंड, इज she or he afraid of courses or both? क्या वो मतलब दोनों, मतलब वो afraid होता है, वो डरता है, या फिर वो courses होता है? So the speaker seems to be both courses as well as afraid because he wants to find out what is inside the set. Speaker जो होता है वो courses भी होता है, कि वो यूं ढूंढना चाहता है कि इस set में क्या है, लेकिन वो afraid भी होता है. It is his curiosity, वो उसकी curiosity है कि वो देखना चाहता है.
ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी साइड ही पोस्टपोन्स हिज डिसीजन, वो अपना डिसीजन पोस्टपोन कर देता है टू गो इनसाइड द शेड, इट्स हिज फियर, और वो उसका डर होता है कि वो अपना मतलब अंदर जाने का वो पोस्टपोन कर देता है. इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेंज वॉइसेज ऑफ द गॉस्ट, और ये हो सकता है गॉस्ट की जो स्ट्रेंज वॉइसेज हैं उनकी वजह से हो. वॉट इज ही और शी प्लानिंग टू डू सून, वो जल्दी ही क्या करने का सोचता है, ही और शी मतलब जो पोइट है वो. सो पोइट जो है वो ये करने का सोचता है कि वो जल्दी ही उस सैड के अंदर जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. बट नॉट जस्ट यट सजेस्ट डिबेट, फियर, हेस्टेशन, लेजनेस और समथिंग एल्स. चूज द वर्ड्स विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर why you choose it. आपको इस ये जो but not just yet इसमें आपको suggestion मतलब suggest करना है कि आपको कौन सा feel होता है, जैसे doubt होता है, okay, fear होता है, डर होता है, hesitation होती है, या फिर poet जो है वो lazy है, आलसी है, okay, मतलब आपको उनका reaction बताना है. okay, so here completes our chapter sorry this poetry. If any student is having any problem related to this poem, you can ask to me. Okay, so bye.